चुका है हमारा खाना। ये आ गई है नान। वैसे नान का साइज काफी ज्यादा बड़ा है ना। लो कोफ्ता सेव आ गया है और अभी क्या आने वाला है, आलू दम। टक्कू है, टक्कू कहाँ से आया, अचानक से कहाँ से आ गया टक्कू? हाँ हाँ क्यों, ये देखिए क्या आया है अपने घर पे, देख देख टक्कू, ये क्या लेके आई सुबह सुबह? बर्तन तर और सुबह सुबह साइकिल आई है। देखो सब लोग, अच्छी खासी है, हैवी है, हैवी साइकिल है। 7 घंटे सोई, 7 घंटे। 3 बजे सोई थी? हाँ, 3 बजे पहले सोई थी, 2:30 बजे के बाद। अच्छा ज्यादा सोई ना, कितने बजे उठी फिर? उठी मैं 10 बजे। हाँ, अब साइकिल वहाँ रहेगी, वहाँ से कुर्सी वर्सी हटेगी। टक्कू साइकिल खोले अपन। हाँ बाबू, टक्कू ज्यादा खुश हो रहा है, टक्कू साइकिल चलाएगा क्या? पूछे ला ला के खुश है मेरा बच्चा। चल रही है साइकिल, मस्त चलाऊंगी मैं। हुई है और ये मोटे वाले टायर ही थे जैसे मेरे को चाहिए थे। निकालो देखो, मुझे आज जल्दी ले काम खत्म करना है। पास में था ना, बड़ी चीज है, इवनिंग में चलाऊंगी। तुम तो चलाओगे नहीं, कैसे निकाले इसको? तुमने पता है सिर्फ खरीदे हो मेरे को, मैं यकीन के साथ 100% श्योर लिख के दे सकती हूँ तुमने एक चलाओगे। नहीं यार, काम धंधा पड़ता है, कभी कहीं बाय चांस जाना हुआ तो चलाओगे, बाकी टाइम मैं ही चलाऊंगी। टक्कू क्या निकल रहा है? टक्कू ये देख, क्या है टक्कू ये? उठाओगे या आओ, मैं हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए क्या? नहीं भारी है। वाह, उसमें हवा है कि नहीं है टायर में? नहीं, उतनी नहीं। तो फिर हवा भरने के लिए लेके जाना पड़ेगा। अब पीछे ही है ना हवा भरने वाला। अब तुम भरवा के लाओगे आज, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत साल बाद चलाने जा रही हूं। तुमको भी एक्साइटमेंट हो रही है उतनी? बहुत साल से ऐसा बोरिंग लाइफ जी रही थी ना, कोविड के टाइम पे भी बोरिंग लाइफ जी थी। कैसा कलर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा है वैसे, स्काई ब्लू वाला लिया तुमने। चलो इसको असेंबल करते फिर बात करते। ये कुछ टूटा हुआ निकला इसमें, ये देखो ये अलग ही टूटा हुआ निकला हैंडल में। अब क्या है, अब भेजो उनको फोटो फटाफट। देखो यहाँ से ये टूटा हुआ है कि ऐसा है ही इसका शेप? नहीं ये टूटा ही हुआ है, ऐसा कैसा शेप रहेगा ये? ये अभी सामान है, इनको बेचना है, लेने के लिए आए हुए हैं और ये बच्चे लेके आए हुए हैं। इसको पहले खोल के अनइंस्टॉल करके लेके जाना पड़ेगा। कुछ इंस्टॉल हो रहा है, कुछ अनइंस्टॉल हो रहा है। तो कहाँ चल रहा है तू? तो बात ही मत कर, नदी के पास क्यों जाता है? तो फाइनली मेरी साइकिल पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गई है। इस बॉक्स में आई थी टूटी फूटी, जैसा आप लोगों ने देखे, मतलब अनअसेंबल्ड थी, मैंने असेंबल कर लिया हूँ। और मैंने पहली राइड भी ये हल्की सी बालकनी में ले ही लिया। अभी अब फाइनली पूरी रेडी हो गई, मडगार्ड वगैरह लग के अब पहली राइड लेके देखता हूँ। बाकी मुझे चलाने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है यार, रीज़न शायद यही है कि बहुत सालों बाद ऐसे साइकिल चला रहा हूँ ना, बाइक वाइक चलाने में तो लेकिन साइकिल चलाने में हो रहा है। अब एक बार थोड़ा सा बाहर चलाता हूँ। पूरी तरह से साइकिल को इंस्टॉल करने के बाद लगा कि अब मुझे बुला लेना चाहिए था पैसे देके, इंस्टॉलेशन वाले आते हैं। मेरी हालत ख़राब हो गई यार, भूख वूख सब लग गई है, चाय बनाना है अभी, ब्रश भी नहीं किया हूँ, बहुत लेट हो गया, दोपहर के 2 बज चुके हैं। क्या है यार ये, उसका ना ब्रेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ये ब्रेक फ्रिक्शन कर रहा था तो उसको सुधारने में लग गया, उसमें 1/2 घंटे से ज़्यादा का टाइम निकल गया। मैं फटाफट ब्रश करता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर बात करता हूँ, थक गया हूँ भी। वाईफाई का भी काम हो रहा है, तो वायर वगैरह आ गई, यहीं पे लगवा रहा हूँ वाईफाई। अब कंप्यूटर आने को होगा, मतलब गेमिंग पीसी लेने की प्लानिंग बन रही थी तो उसको मैं यहीं पे सेट करूँगा। कुछ दिन की तो बात है, 3-4 महीने की बात है, फिर तो अपने घर में शिफ्ट हो जाना है। काम चलाऊ के लिए अभी यहाँ पर करना पड़ेगा। अरे देते कोई नहीं, यहाँ पे मॉनिटर आ जाएगा, ये टेबल में अपना कीबोर्ड वगैरह, उस दिन अब हो जाएगा थोड़ा बहुत। वाईफाई का कनेक्शन लग गया है और चालू नहीं हुआ है। चालू वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कुछ ऐसा फाइबर आइवर लगता है और फिर वो उसका कनेक्शन हो गया, कनेक्ट करते हुए अपने को इतना मालूम नहीं है। अपने सिंपल वाली चीज़ें देखे हैं, इन बोले कि कल भी आ सकते हैं, आज शाम तक भी आ सकते हैं। वो आ गए तो फिर अपना पूरा काम कंप्लीट। कल बहुत दिनों बाद मुझे पहली बार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस घर को मैं अपना पाया, पता नहीं क्यों, शायद एसी या कुछ और भी कारण हो सकते हैं या फिर मैं बेडरूम में आके सोया, तो मैंने कल एक्चुअली इस घर को अपनाया हूँ। कल मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा घर है,
थोड़ा टाइम लग गया यार, 6-7 कितना, 7 क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 साल हो गए थे उस एरिया में रहते हुए, मतलब उस बिल्डिंग में नहीं उसके आसपास ही रहते हुए। थोड़ा तो टाइम लगता है ना, 10 साल बाद आप किसी जगह से बाहर निकलो तो इतनी जल्दी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। थोड़ा सा लग गया अभी, थोड़ा और लग रहा है, लेकिन हो जाऊँगा मैं सेटल अभी। नहीं फिलहाल मैं फटाफट पीता हूँ चाय, क्योंकि मुझे हवा भी भरवाने जानी है। हवा भरवाने अभी जाऊँ कि नहीं जाऊँ समझ नहीं पा रहा हूँ। चले जाऊँगा यार साइकिल के, अब साइकिल आ गई है तो मेरा मन कर रहा है एक बार एक राउंड मार लूँ उसको ठीक करा के। फिर से एक टांगा दिखा देखो, और मैं जा रहा हूँ साइकिल में हवा भरवाने के लिए। पीछे एक दुकान थी बाइक की, उसने बोला यहाँ नहीं भरती है, आगे जाके देखो। अभी वाईफाई का जो आधा काम हुआ है वो आधा काम करने वाला आने वाला है। मैंने बोला जब तक फटाफट हवा भरा के आ जाता हूँ, थोड़ा एक साइकिल से राउंड भी हो जाएगा। अभी बैठ के बिल्कुल नहीं चला सकता क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं है, बहुत ही ना के बराबर है। और आगे कहीं दुकान भी समझ में नहीं आ रही है, तो हवा भराने के लिए दुकान मिल गई फाइनली। यहाँ मार्केट तक आने के बाद 2-3 दुकान में पूछा, उतना आइडिया नहीं था कहाँ दुकान में होगा कहाँ नहीं। एक बार यहाँ से हो जाए फिर मैं करवा लूँगा। और ये मडगार्ड जो थोड़ा हिल रहा था इसका मैं नट लगवा लेता हूँ, बाकी फिर अब चला चला के जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा, अभी तो थक गया बहुत। तो साइकिल फाइनली हवा भर गई है, और यहाँ से ताला भी ख़रीद लिया मैंने, 2 चाबी वाला। फ्लिपकार्ट से मैंने बुलवाया था ताला, लेकिन वो मैंने अब कैंसिल कर दूंगा उसको, क्योंकि यहाँ से बढ़िया वाला ताला मिल गया है। अभी जिया का फ़ोन आया, बोले हो गया क्या तुम्हारा खाना वाना, मतलब कुछ नहीं हुआ अभी, सिर्फ चाय हुई और मार्केट की तरफ आया हुआ हूँ। तो हैरान हो रही थी, बोल रही थी पैदल आए क्या, बोला हाँ अभी जाता हूँ साइकिल चला चला के फटफट। फ्लिपकार्ट की तरफ से आया ये बढ़िया कमाल की चीज़ है। दरअसल जो कुत्तू लोग हैं नीचे, यहाँ पे बहुत बेचारे गरीब गरीब से कुत्तू लोग हैं और बहुत लाचार से दिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कुछ लोगों को खाना मिल जाता है, कुछ कुत्तों को, कुछ कमज़ोर हैं। तो हमने सोचे कि जो ऐसा कमज़ोर कमज़ोर है ना, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डॉग फूड ख़रीद लेते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया, कल ही ऑर्डर किया और आज ये आ गया है। बेचारे खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो, ये बढ़िया से बड़ा सा डॉग फूड ले आए हैं जो कि 6 किलो का है। ये मस्त खाएंगे। ब्रांड वगैरह वगैरह मालूम कुछ नहीं मालूम मुझे, बस ये दिखा मुझे फ्लिपकार्ट में अच्छी रेटिंग के साथ, तो मैंने ये बुलवा लिया। वैसे देखने में तो सही लग रहा है, फॉर पपीज़, पपीज़ के लिए ही इसलिए लिए हैं क्योंकि पपी वाला बुढ़े बच्चे, बुढ़े कुत्ते जो हैं वो खा सकते हैं, लेकिन अगर एडल्ट कुत्तों का बुलाते तो एडल्ट वालों का खाना पपीज़ नहीं खा सकते थे, उनके काफ़ी बड़े बड़े दाने होते हैं। इसको खोल के देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। सही है, इसमें गड़बड़ी नहीं है, कुछ बढ़िया है। और क्योंकि कुछ कुछ मैंने वीडियोस देखा हूँ कि ख़राब निकल जाता है, लेकिन इसकी स्मेल भी ठीक डॉग फूड वाली आ रही है और ये दिख भी ठीक रहा है। तो कभी जिया लेके जाएगी नीचे, कभी मैं चले जाऊँगा, तो आज तो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। आज जिया ही जा रही है और ढूंढ ढूंढ के खिला देगी, और देख लेगी कौन सा कुत्ता कहाँ है, फिर एक आध दिन मैं भी साथ में चले जाऊँगा, फिर मैं भी खिला दिया करूँगा। अच्छा ना, बेचारे खुश हो जाएंगे यार। अच्छा, मेरे को उनसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये हमने बुलाए हैं, तो मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही है। क्या है हमारा खाना, ये आ गई है नान। वैसे नान का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, है ना। हेलो, हाँ दम आलू, इतना तो बड़ा है। वैसे मेरा इडली खाने का बहुत दिन से मन था, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, कैसा लगा से हो? अच्छा है। मैं खाता हूँ। नहीं एक्चुअल में शो अच्छा है, अच्छा लगा। ऐसी मेरा फेवरेट नहीं है। ये चाहिए इसमें कुछ? हाँ वो लूँगा। क्या होता है ना कि पनीर वनीर घर पे मैं इतना खा लेता हूँ कि बाहर आके पनीर खाने का मन ही नहीं करता, इसलिए बाहर आओ तो कुछ ऐसा खाओ। नहीं बहुत सारी चीज़ें, यही देखो यहीं पे अपन ने 3 इतनी अलग अलग वैरायटी बुला ली है कि नहीं। 3 वैरायटी तो यहीं इतनी डिफरेंट हो गई। पनीर तो सिर्फ एक ऑप्शन है, सिर्फ लोग ऐसा है कि मतलब पहले के टाइम पे ना लोग पनीर कम खाते थे, थोड़े महंगे रहते थे ना, तो लोग लगा पनीर स्पेशल टाइम पे खाएंगे, और अब क्या है कि पनीर वैसा हो गया, बिल्कुल ये हो गया समझे। खाना वाना खा के आ चुके हैं,
पेट निकाल के और ये वही जगह है जहाँ मैं कल घूम गया था। कल मैं वीडियो नहीं बना रहा था, हाँ यहाँ इस मंदिर के सामने से मैं 2-3 बार क्रॉस हुआ। ये देखो ये मंदिर है, ये बहुत सुंदर है। किसी दिन आऊंगा मैं, ये मंदिर दिखाऊंगा, फिर देखना अच्छे से। तुम शिवरात्रि या बाबा के टाइम पे आओगे ना, पूजा पाठ के टाइम पे, हाँ तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको। हाँ ये देखो एकदम सीधा सीधा रास्ता, चला ना, तो चलाता नहीं है। मेरा बहुत मन करता है कि साइकिल चलाता हूँ थोड़ा सा और गोप्रो हेड गोप्रो कैमरा खरीद लूँ। रुको बाद में गोप्रो खरीदना, पूछ रही चला ले क्या अभी, चला ले क्या अभी। हो गया सोएंगे यार, थक गए। सचिन को ऑफिस जाना है, 12:15 हो रहे हैं। GoPro ले सकता हूँ यार? नहीं अभी मत लो, थोड़ा रुक के लो, क्योंकि तुम ना 2 दिन ही चलाओगे साइकिल, फिर घर पे रख दोगे तो GoPro भी पड़ा ही रहेगा, उसमें धूल जमेगा सिर्फ। रोज चलाते हैं और सिर्फ धूल ही जमेगा। गेम क्योंकि अभी मोबाइल गेम खेल रहा था, मोबाइल गेम खत्म हो गया, अब वापस से नहीं, कल या परसों से अपन टीवी वाला खेलेंगे। हाँ टीवी वाला, पता है क्यों? क्योंकि वाईफाई लग गया अब। हाँ तब टेंशन नहीं है, तो मस्त मजे में खेलेंगे, टेंशन नहीं है। तुम्हारी बॉडी रे सनी देओल सी।